तो गाइस सभी लोगों का स्वागत हो चुका है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हो अशरफ गेमिंग। तो मैंने आपके रिकमेंडेशन पे एक वीडियो अपलोड किया था जो कि कीबोर्ड और माउस से माइनक्राफ्ट कैसे खेला जाता है कहके, तो उसमें थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स अच्छा ही आया था, लेकिन जितना रिस्पॉन्स मैंने सोचा था उतना रिस्पॉन्स नहीं आया है। लाइक्स का एम ही रखा था मैंने उसमें 10 लाइक्स का, तो 10 लाइक्स का एम ही कम्प्लीट नहीं हुआ है उसमें अभी तक। तो जिसने भी उस वीडियो को देखा है, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना फटाक से जाकर उस वीडियो देखते देखते भी। और जो जिसने भी वो वीडियो को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसे जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके देख लेना, या ऊपर आई बटन में शो करेगा तो वहाँ पर आप लोग देख लेना उसको क्लिक करके। इस वीडियो को देखने के बाद देख लेना भाई, इस वीडियो को छोड़कर मत चले जाना, ठीक है। तो वो हो चुका लास्ट वीडियो का टॉपिक, तो ये वीडियो को टॉपिक के ऊपर बढ़ लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास तो टूल्स डायमंड के हो चुके हैं, आर्मर भी डायमंड का हो चुका है, लेकिन उसमें हमारे पास एन्चेंटमेंट्स नहीं है। उस एन्चेंटमेंट के लिए हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक्सपी चाहिए होता है। तो फिलहाल हम लोग आज बनाने जाने वाले एक एक्सपी फार्म। देखो भाई, हमारे पास 13 XP है सिर्फ और सिर्फ। हमारे पास लेवल 30 का एन्चेंटमेंट टेबल होगा तो हमारे पास लेवल 30 का लेवल होना चाहिए, तो उसी लिए हम लोग आज बनाने जाने वाले हैं एक XP फार्म। उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए होता है वो इकट्ठा कर लेते हैं हम लोग फ़िलहाल। तो चलो उस चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं। तो उस फार्म के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होता है वो है कोबल स्टोन एंड एक स्टैक का टॉर्चेस, 4 होपर्स, 2 वाटर बकेट्स एंड 4 चेस्ट। इन चीज़ों की ज़रूरत होती है इसमें, तो इन सारे चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं हम फिलहाल। तो फिलहाल शाम हो रही है, हम लोग शाम की नज़ारे को देख के इंजॉय कर लेते हैं भाई। फिलहाल काफ़ी मस्त सा शाम है भाई, ये ग्राफिक्स काफ़ी अच्छा है ना। इसमें एक ही दिक्कत है, ये पूरा ग्राफिक्स नहीं आता है मेरे, इसमें क्लाउड्स ही दिखता है सिर्फ और सिर्फ। तो फिलहाल मैं सो के आ चुका हूँ, तो अब चलते हैं हम स्टोन माइनिंग के लिए। तो स्टोन ढूंढने के लिए मैं आया हूँ इस तरफ, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्टोन दिखा था। तो फिलहाल स्टोन को पूरे इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि हमें चाहिए काफ़ी ज़्यादा स्टोन भाई, हद से ज़्यादा स्टोन्स चाहिए होते हैं हमको उस फार्म के बनाने के लिए। तो बिना देरी के शुरू कर लेते हैं। तो सारे चीज़ें बना के मैं आ चुका हूँ, तो जगह ढूंढने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा ढूंढ चुका हूँ मैं जगह। तो ढूंढने के बाद मुझे ये जगह परफेक्ट लग रहा है मुझे। तो बादल देखो यार, काफ़ी मस्त से बादल है यार। तो इसी जगह पे मैं मेरे फार्म को बनाने वाला हूँ, तो चलो उसको फार्म को बना लेते हैं। तो गाइस फिलहाल मैं शेडर्स ऑफ करके आ चुका हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लैग हो रहा था इसीलिए मैं ऑफ़ कर दिया। तो फर्स्ट हम लोगों को 2x2 का एक एरिया बनाना है, यहाँ से हम लोगों को 2 चेस्ट को प्लेस कर देना है, 1, 2 इस तरफ और इस तरफ और 2। तो इसके बाद हम लोगों को प्लेस करना है हॉपर्स कुछ इस प्रकार से, तो चेस्ट को कनेक्ट करते हुए प्लेस कर लेना ऐसे। इसके ऊपर लगाना है हम लोगों को स्लैब्स, तो ये स्लैब्स को ला लेना है, कोई भी स्लैब काम आ जाएगा। तो मैंने कोबलस्टोन का ही लाया है, कुछ इस प्रकार से इसको भी लगा देना है हम लोगों को। तो इसके बाद हम लोगों को इसके चारों तरफ हम लोगों को दीवार खींच देना है कुछ ऐसे, जैसे मैं खींच रहा हूँ ऐसे खींच लेना है आप लोगों को। तो अरे यार गलत लग गया, तो इसको ऐसे खींच लिया ना, तो इसको तोड़ देते हैं। तो ये हो चुका है, तो ऐसे दिखेगा। तो यहाँ से अब इसको हम लोगों को खींच लेना है 21 ब्लॉक्स हाइट तक, 21 ब्लॉक्स हाइट तक इसको खींचना है हमें। तो ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर होने वाला है, तो फिलहाल इसको ऊपर तक मैं खींच लेता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ उसको, अब बोर हो जाएंगे अगर ये दिखाता रहूँगा। तो चलो फास्ट फॉरवर्ड कर देता मैं। तो इसको मैं 21 ब्लॉक साइड खींच लिया हूँ, तो अब हमें इसे यहाँ से 8 ब्लॉक्स खींच लेना है कुछ इस प्रकार से,
दो तीन चार पाँच छः सात, तो वो ब्लॉक भी काउंट करना है हम लोगों को, जो हम वहाँ लगाए थे हम लोग उस ब्लॉक को भी काउंट करके 8 ब्लॉक्स हो जाना चाहिए। तो इसे हम लोगों को कर लेना है चारों तरफ, जैसे हमने एक वॉल्स खड़ा था ना वैसे चारों तरफ हम लोगों को कर लेना है उसे। तो इसे भी मैं फ़िलहाल कर लेता हूँ फास्ट फॉरवर्ड। तो इसे भी मैंने खींच लिया है, तो इसको तोड़ देता हूँ, ये गलत लग गया था। तो इसके बाद हम लोगों को इसके चारों तरफ वॉल खड़ा करना है, दो लेयर हाइट्स का इसको वॉल खड़ा करना है। एक लगा दिया हम लोगों ने, तो इसको एक लेयर कंप्लीट करके और दो लेयर भी इसको लगाना है 1 और 2 का। तो फ़िलहाल इसको भी मैं वॉल खड़ा कर देता हूँ, फ़िलहाल थोड़ी देर दो मुझे। तो ये वॉल भी कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद हम लोगों को ये पूरा फिल कर देना है, जहाँ भी ये गैप्स है ना इसको पूरा फिल कर देना है भाई। तो स्टोन्स थोड़े बहुत कम है मेरे पास, कम लाया था मैंने, तो इसको फिल कर देता हूँ, स्टोन्स को भी कलेक्ट करके आना है भाई। फिलहाल रात हो चुकी है, तो जल्दी से इसको भी कंप्लीट कर देते हैं हम लोग। जैसे ऐसे फिल कराना ऐसे ही फिल कर देना है पूरे जगह को चारों तरफ भी। तो चलो इसको भी फिल कर देता हूँ मैं। जगह को भी मैंने कंप्लीट कर दिया है, तो इसके बाद हम लोगों को करना है ऊपर चले जाते हुए फर्स्ट। यहाँ पे भी हम लोगों को दो लेयर का वॉल खड़ा कर देना, दो हाइट का, जैसे वहाँ खड़ा कर दिया था ऐसे एक दो कह गए, इसको भी खड़ा कर देना हम लोगों को। चलो इसको भी खड़ा कर देते हैं यार। तो इसको भी मैंने खड़ा कर दिया वॉल को, अब इसे पूरा ढक देना है ऊपर से कुछ इस प्रकार से। हम लोगों को इसको ऊपर से पूरा ढक देना है ताकि यहाँ पे लाइटिंग ना हो, अगर लाइटिंग ना हो तो ही मॉब स्पॉन होते हैं ना भाई, इसीलिए। तो इसको भी भर देते हैं, पूरा भर देने को हम लोगों को। तो चलो इसको भी भर देते हैं। तो पूरा मैंने ढक दिया इसको, तो अब हम लोग ऊपर चलना है हम लोगों को। ऊपर चल के हम लोगों को पूरा टॉर्चर्स प्लेस करना है यहाँ पे, ताकि यहाँ पे ऊपर मॉब स्पॉन ना हो, हमें चाहिए मॉब्स अंदर स्पॉन हो ऊपर नहीं। तो इसीलिए जहाँ पे भी आप लोगों को अंधेरा दिख रहा होगा वहाँ पे फिल कर देना टॉर्चर्स को, इतना तो काफ़ी होगा। यहाँ पे मॉब्स तो स्पॉन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे लाइटिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो अब हम लोग नीचे चलते हैं, नीचे काम थोड़ा बहुत और भी बाकी है, तो चलो नीचे चलते हैं हम लोग। चलो स्टोन को भी तोड़ना यार, मेरे पिकेक्स टूट गई यार, मुझे एक दिक्कत हो चुका है अब। तो चलो मैं उसको तोड़िया, तो अब हम लोगों को करना है वाटर बकेट लेना है। वाटर बकेट लेने के बाद यहाँ स्टोन भरना है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोन यहाँ पर भर देते हैं। स्टोन को भर दिया, स्टोन को भरने के बाद हम लोगों को यहाँ पे अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना लेना है। तो यहाँ पे एक वाटर डालना है और यहाँ पे वाटर डालना है, तो ये अनलिमिटेड वाटर सोर्स बन गया। इसमें पानी भर लेते हैं हम, फिलहाल पानी भर के इस साइड पानी डालना है और इस साइड भी पानी डालना है भाई। ठेलो मत, गलती नहीं लगना यार, गलती से लग गया। ठीक है यहाँ पर ये सेट हो चुका है, तो अब हम लोग परफेक्ट है, परफेक्ट से आ रहा है यहाँ पर। तो एक और बकेट पानी ले लेते हैं यहाँ पर, इसको भी ले लिया, ले ले यार, कलेक्ट नहीं हुआ क्या? कलेक्ट हो गया। तो सेम वैसे ही यहाँ पे भी पानी भर देना है हम लोगों को। यहाँ पे एक डाला बाल्टी और यहाँ पे एक बाल्टी पानी डाल दिया, तो यहाँ ये भी यहाँ तक पहुँच गया। यस हमारा काम परफेक्ट कर रहा है ये फार्म। तो चलो यहाँ पे भी हम लोगों को पानी डाल देते हैं, तो लास्ट एक साइड बच चुका है हमारा।
तो उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ भी पानी डाल लेते हैं और एक और बकेट ले लेते हैं और यहाँ पे भी पानी डाल लेते हैं। तो ये हो चुका है हमारा काम परफेक्ट से। तो अब हमें इसे अनलिमिटेड वाटर सोर्स को यहाँ से निकाल देना है। तो इसको निकाला तो मेरे पास पिकैक्स नहीं आ रही, इसे एक्स तोड़ने काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है मुझे। थोड़ा बहुत टाइम दे देता हूँ, चारों को तोड़ देता हूँ मैं फ़िलहाल। तो उसे तो मैंने तोड़ दिया। तो यहाँ पे इस टॉर्चर्स को निकाल देना है तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। अब फिलहाल मैं नहीं चाहता नीचे गिरने वाला भाई, पानी मत नीचे गिरा, मुझे मत गिरा। तो ये लास्ट टॉर्च है हमारा। ये होल कहाँ छोड़ता, वहाँ रहा हो रहा होल, वहाँ से ऊपर चल लेना है मुझे। तो यहाँ से ऊपर चल लेते हैं, ऊपर चल के वहाँ भी ढक देना है हमें। तो उसको ढक देना है फर्स्ट। अगर वहाँ पे जो भी लाइटिंग आ रही है ना, तो मॉब्स अंदर स्पॉन नहीं होंगे, थोड़े भी लाइटिंग नहीं होना चाहिए अंदर। तो पूरा अंधेरा होना चाहिए तभी हमारा मॉब फॉर्म काम करता है। तो इसको भी हम लोग ढक देते हैं स्टोन से। तो ये हो चुका लास्ट ब्लॉक, प्लेस कर दिया हम लोगों ने। तो फाइनली हमारा पूरा फार्म कंप्लीट हो चुका है बनके। तो हम लोग बना लेते हैं एक AFK पॉइंट। तो ऊपर तक हम लोगों को एक AFK पॉइंट बनाना है। तो चलो उस AFK पॉइंट को भी बना लेते हैं हम लोग। हमारा AFK पॉइंट तो बन के तैयार हो चुका है। तो ये देखो मैंने AFK हो चुका हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए AFK होने वाला हूँ। AFK होने के बाद हम लोग देखते हैं कितना XP हम लोगों को मिलने वाला है। फिलहाल हमारे पास 17 XP है, देखते हैं कितना हम लोगों को मिलने वाला है। तो मिलता हूँ मैं थोड़ी देर के बाद। तो मैं यहाँ पे आधा घंटा AFK हो चुका हूँ। तो अब नीचे चलते हैं, क्लच करते हैं, वाटर बकेट का काम आता ही है। भाई लिटरली मैं इतना बेवकूफ़ हूँ ना भाई, माउस का बटन क्लिक ही नहीं किया मैं वहाँ तक जाने पर भी। तो फिलहाल मैं जाके उस सामान को कलेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से, रिस्पॉन ना हो भाई। मेरे PKXP वहीं पे, मेरा पूरा आर्मर वहीं पे है भाई। चलो मैं इसको कलेक्ट कर लेता हूँ जाके। तो ये रहा मेरा पूरा सामान, इसको कलेक्ट कर लेता हूँ फटाफट से। इसको कलेक्ट करके हम लोग नीचे चलते हैं XP को। भाई लिटरली मेरे पास 17 XP थी, अब 7 XP हो चुकी है। पूरा गया भाई, पूरा XP गया मेरा। तो चलो नीचे चल के देखते हैं, क्लच करूँ कि अरे नहीं 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 मैं नहीं करने वाला क्लच। मैं वहाँ से आया था वहीं से जाने वाला हूँ मैं। कहाँ ये गया वो? तो ये रहा ये रहा, इसमें से मैं नीचे चलता हूँ फिलहाल। भाई लिटरली मैंने आधा घंटे से AFK था मैं, लेकिन यहाँ पे 2 skeleton है सिर्फ। ये क्या बात हुई भाई, 2 skeleton है यहाँ पे, मर जा रहे हैं क्या है? मॉब्स गिर के यहाँ पे? नहीं नहीं यार, 21 का ही मैं तो बनाया था। तो फिलहाल एक क्रीपर आई है, इसको भी मार देता हूँ मैं। मैं क्यों काम नहीं कर रहा है? ऊपर मैं कुछ ज़्यादा ही बना दिया क्या इसके पॉइंट हाइट? हाँ पता नहीं यार क्यों काम नहीं कर रहा है भाई। एक तो मैं वहाँ से गिर के मैं पूरा XP गमा बैठा था और ये काम नहीं कर रहा है अब। तो एक और मॉब आया है इसमें ज़ॉम्बी भाई, पता नहीं ये गिर के मर रहे या कुछ। इसमें मैनिंग लगा है लेकिन ये XP से बढ़ नहीं रहा है पिकैक्स। क्या आया क्या करूँ यार, नीचे खड़े तो एक एक मॉब आ रहा है। तो सामान है इसमें पड़े कहीं, हम गिर के मर रहे क्या मॉब? थोड़ी देर के लिए नीचे रुक लेता हूँ मैं, नीचे होंगे तो आ रहे हैं थोड़े बहुत मॉब्स, नीचे रह के देख लेता हूँ मैं फिलहाल। तो मैं यहाँ पे 5 मिनट के लिए AFK हुआ हूँ। नहीं 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 फट मत भाई, क्रीपर फट गया यार। मुझे कहाँ से देखा है क्रीपर, फिर स्केलेटन मार दे रहा है ज़ॉम्बीज को यार। नहीं नहीं नहीं, मेरे XP जा रही है भाई, इसको मार देता हूँ फिलहाल मैं। तो ये रहा क्रीपर, इसको भी मार दिया। तो यहाँ पे स्पाइडर भी आई थी, इसको भी मार दिया। ओ 11 XP भाई, मैं लिटरली मैं यहाँ पे कुछ 2 मिनट ही रहा था। हाँ 2 मिनट है, 2 मिनट में मुझे
दो एक्सपी मिल चुकी है, लेवल 11 हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि ये फार्म काफ़ी देर लगाएगा मुझे लेवल 30 एक्सपी करने के लिए। अब तो सेटिस्फेक्शन मिला है भाई, काफ़ी अच्छा फार्म काम कर रहा है। ऊपर मैं कुछ ज़्यादा ही बना दिया था एफ के पॉइंट का पोजीशन, तो इसीलिए वो काम नहीं कर रहा था। तो नीचे मैं बना दिया था, इसमें काम कर रहा है। तो फ़िलहाल वहाँ पे एक स्लैब तोड़ दिया था, क्रीपर फटा था ना, तो वो स्लैब तोड़ दिया था, तो उसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ वहाँ जाके। चलो उसको हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं। एक और स्केलेटन आया है इसमें, उसको भी मार देता मजा। तो फिलहाल इस स्लैब को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं हम लोग। और भी आ रहे हैं मॉब्स, ये नहीं कि मॉब्स नहीं आ रहे, मॉब्स आ रहे हैं। मैं जब तक नीचे खड़ा रहूँगा तब तक मॉब्स आ रहे हैं भाई, मुझे ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखो पूरा चेन आर्मर पहन के आ रहा है मेरे पास मारने के लिए, मेरे पास डायमंड आर्मर है। हाँ तो चलो उस तरफ चलते हैं, थोड़ा बहुत लाइट कर देता ना यार, टॉर्चेस लगाना है यहाँ पे, क्योंकि ये मॉब्स यहीं पे स्पॉन होते हैं रहते हैं, तो ऊपर मॉब्स स्पॉन नहीं होंगे। तो फिलहाल मुझे यहाँ पे थोड़े बहुत टॉर्चेस लगा देना है। तो टॉर्चेस कहाँ पे है मेरे, तो ये रहे टॉर्चेस, चलो लगा देते हैं भाई। क्रीपर भाई, क्रीपर क्रीपर क्रीपर, नहीं 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 नहीं, मतलब मुझे अब फूट गया यार। तो यहाँ पे रहा, नहीं 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 भाई साहब, कितने बार मरूंगा यार मैं, पता नहीं मुझे कितने बार मरूंगा मैं। हाँ चलो जल्दी चल के मैं उस सामान को कलेक्ट करना है भाई, मुझे पता नहीं वो सामान कहाँ गया होगा, डिस्पॉन ना होना चाहिए यार। डिस्पॉन हो गया तो मैं रो दूंगा ये पे बैठ कर, मैं पूरा आफत मेरा चले जाएगा यार डिस्पॉन हो जाएगा। तो मैं तो एक्सपी तो खो बैठा, मेरा 11 एक्सपी फिर से गया, मुझे आएगा नहीं। तो मुझे सेटिस्फैक्शन तो है इस फार्म से, तो ये फार्म काम कर रहा है अब, तो एक्सपी गई तो भी कोई काम नहीं है इस पर। हम लोगों को एक्सपी मिल जाएगा अगर यहाँ पे मैं 1 घंटा एफ के रहूँगा तो मुझे लेवल 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से मुझे 6 लेवल हो चुका है मेरा, तो पूरा कलेक्ट कर लेते हैं अब। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में बता देना एक्सपी फार्म कैसा लगा है आप लोगों को। और हाँ लास्ट वीडियो पर आप लोग एम लाइक एम्स तो कंप्लीट नहीं किया, तो इस वाले वीडियो पर मैं सेम लाइक एम रख रहा हूँ, 10 लाइक्स का एम रख रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये फॉर्म पसंद आया तो 10 लाइक्स कंप्लीट कर देना यार प्लीज़, 10 लाइक्स कंप्लीट कर देना ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।